हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडिटिंग फॉर यू। सो गाइस, आज हम लोग विजय माहिर की ईगल फोटो एडिटिंग का आपको ट्यूटोरियल क्या है बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने एक ही पार्ट इसका क्या मिस कर दिया तो ये वीडियो आपके किसी काम का क्या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना जो पिक्सआर्ट ऐप है उसी का ओपन करना है। तो गाइस, पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्या क्लिक करना है और ऊपर आपको ऑल फोटोज़ पर क्या क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके एक बैकग्राउंड क्या है ऐड करना है। ये बैकग्राउंड आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने क्या नीचे दे दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको ऐड फोटो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर जाना है और आपको अपनी फ़ोटो क्या है ऐड कर लेनी है। तो मैंने पहले से कट कर कर रखा हो, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर क्या ऐड कर लिया है, तो इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट क्या कर लेता हूँ। वह जहाँ से जहाँ पर हमने क्या अपनी फ़ोटो को क्या एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो वाला ऑप्शन एक और दिखाई देगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और एक PNG क्या है ऐड करनी है, जिसका लिंक मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको ये ईगल वाला PNG क्या ऐड कर लेना है और इसे यहाँ पर क्या है एडजस्ट करना है आपकी आँख पर, इसका साइज़ थोड़ा सा इनक्रीज कर लेंगे। हमारी फ़ोटो का साइज़ थोड़ा सा कम है तो इसके एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अपने फ़ोटो को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से एडजस्ट में जाना है और इसका जो कंट्रास्ट है उसको आपको कम कर देना है और आपका सिचुएशन जो है वो भी थोड़ा सा कम करना है और हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है और यहाँ से क्या है डन कर देना है। और यहाँ से क्या है मैं डन कर दूँगा। उसके बाद जो बाकी का आपको यहाँ से पार्ट है वो क्या है क्रॉप कर लेना है यहाँ से टूल्स में जाकर। क्रॉप करने के बाद आपको इसे सेव करना है, तो आप ड्रॉ में जाकर इसको क्या है यहाँ से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 डॉट में जाएंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। और अब इसके एडजस्ट कलर एडजस्ट करने के लिए से हम क्या है लाइट रूम ऐड करेंगे और वहाँ पर इसके क्या है कलर एडजस्ट करेंगे। तो हम चलिए लाइट रूम में इसे ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, लाइट रूम में ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर लाइट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जाना है और जो एक्सपोज़ है उसे थोड़ा सा क्या कम कर देना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा इनक्रीज कर देना है, हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम, शेडो को थोड़ा सा कम कर देंगे और जो वाइट है उसको इंक्रीज कर देंगे, ब्लैक को क्या है थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ से क्या है बैक चले जाएंगे हम। उसके बाद आपको कलर वाला ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करना है और मिक्स वाले बटन पर क्या है क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो सेकंड कलर हमारा दिख रहा है ऑरेंज, हम उससे सेलेक्ट करेंगे और उसकी सिचुएशन जो है उसको कम कर देंगे। उसके बाद आपको जो ल्यूमिनस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे, उसको इंक्रीज करना है और ह्यू जो है उसको कम कर देना है। तो हमारा नेक्स्ट कलर जो होगा वो है रेड, हम रेड को सेलेक्ट करके इसकी सिचुएशन थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे और साथ में जो स्काई ब्लू कलर आपको सेलेक्ट करना है और इसकी सिचुएशन थोड़ी सी कम कर कर ल्यूमिनस को इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से क्या डन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो टेक्सचर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, डिहेज को थोड़ा सा क्या इंक्रीज कर देंगे विंटर्स को थोड़ा सा क्या कम कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाना है
और शार्पिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे हम यहाँ से, और नॉइज़ रिडक्शन सो क्या है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। सो गाइस हमारी फ़ोटो क्या बनकर रेडी है, आप इस तरीके से क्या अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो क्या अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर जरूर करें। और उसके बाद आपको इसे सेव कैसे करना है, आपको यहाँ पर जो शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस क्या कर लेना है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वॉच टू अवर वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप ऐसी वीडियो का रोज़ देख सकें। थैंक यू। सो हमारी फ़ोटो यहाँ से क्या सेव हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसके कलर कुछ ऐसे थे और अब ऐसे क्या हो चुके हैं।